प्रश्न। भेंटवार्ता किसे कहते हैं? उत्तर। भेंटवार्ता वह रचना है जिसमें लेखक किसी व्यक्ति विशेष से साक्षात्कार करके उसके संबंध में कतिपय जानकारियों को तथा उसके संबंध में अपनी क्रिया प्रतिक्रियाओं को अपनी पूर्व धारणाओं, आस्थाओं और रुचियों से रंजित कर सरस एवं भावपूर्ण शैली में व्यक्त करता है। यह एक प्रकार से संस्मरण का ही रूप है। पद्म सिंह शर्मा, कमलेश और रणवीर रांगा ने वास्तविक भेंटवार्ताएं लिखी हैं। राजेंद्र यादव तथा लक्ष्मीचंद जैन ने कल्पना के आधार पर भेंटवार्ताएं लिखी हैं। प्रश्न। भेंटवार्ता किसे कहते हैं? उत्तर। भेंटवार्ता वह रचना है जिसमें लेखक किसी व्यक्ति विशेष से साक्षात्कार करके उसके संबंध में कतिपय जानकारियों को तथा उसके संबंध में अपनी क्रिया प्रतिक्रियाओं को अपनी पूर्व धारणाओं, आस्थाओं और रुचियों से रंजित कर सरस एवं भावपूर्ण शैली में व्यक्त करता है। यह एक प्रकार से संस्मरण का ही रूप है। पद्म सिंह शर्मा, कमलेश और रणवीर रांगा ने वास्तविक भेंटवार्ताएं लिखी हैं। राजेंद्र यादव तथा लक्ष्मीचंद जैन ने कल्पना के आधार पर भेंटवार्ताएं लिखी हैं। प्रश्न। भेंटवार्ता किसे कहते हैं? उत्तर। भेंटवार्ता वह रचना है जिसमें लेखक किसी व्यक्ति विशेष से साक्षात्कार करके उसके संबंध में कतिपय जानकारियों को तथा उसके संबंध में अपनी क्रिया प्रतिक्रियाओं को अपनी पूर्व धारणाओं, आस्थाओं और रुचियों से रंजित कर सरस एवं भावपूर्ण शैली में व्यक्त करता है। यह एक प्रकार से संस्मरण का ही रूप है। पद्म सिंह शर्मा, कमलेश और रणवीर रांगा ने वास्तविक भेंटवार्ताएं लिखी हैं। राजेंद्र यादव तथा लक्ष्मीचंद जैन ने कल्पना के आधार पर भेंटवार्ताएं लिखी हैं। प्रश्न। भेंटवार्ता किसे कहते हैं? उत्तर। भेंटवार्ता वह रचना है जिसमें लेखक किसी व्यक्ति विशेष से साक्षात्कार करके उसके संबंध में कतिपय जानकारियों को तथा उसके संबंध में अपनी क्रिया प्रतिक्रियाओं को अपनी पूर्व धारणाओं, आस्थाओं और रुचियों से रंजित कर सरस एवं भावपूर्ण शैली में व्यक्त करता है। यह एक प्रकार से संस्मरण का ही रूप है। पद्म सिंह शर्मा, कमलेश और रणवीर रांगा ने वास्तविक भेंटवार्ताएं लिखी हैं। राजेंद्र यादव तथा लक्ष्मीचंद जैन ने कल्पना के आधार पर भेंटवार्ताएं लिखी हैं। प्रश्न। भेंटवार्ता किसे कहते हैं? उत्तर। भेंटवार्ता वह रचना है जिसमें लेखक किसी व्यक्ति विशेष से साक्षात्कार करके उसके संबंध में कतिपय जानकारियों को तथा उसके संबंध में अपनी क्रिया प्रतिक्रियाओं को अपनी पूर्व धारणाओं, आस्थाओं और रुचियों से रंजित कर सरस एवं भावपूर्ण शैली में व्यक्त करता है। यह एक प्रकार से संस्मरण का ही रूप है। पद्म सिंह शर्मा, कमलेश और रणवीर रांगा ने वास्तविक भेंटवार्ताएं लिखी हैं। राजेंद्र यादव तथा लक्ष्मीचंद जैन ने कल्पना के आधार पर भेंटवार्ताएं लिखी हैं। प्रश्न। भेंटवार्ता किसे कहते हैं? उत्तर। भेंटवार्ता वह रचना है जिसमें लेखक किसी व्यक्ति विशेष से साक्षात्कार करके उसके संबंध में कतिपय जानकारियों को तथा उसके संबंध में अपनी क्रिया प्रतिक्रियाओं को अपनी पूर्व धारणाओं, आस्थाओं और रुचियों से रंजित कर सरस एवं भावपूर्ण शैली में व्यक्त करता है। यह एक प्रकार से संस्मरण का ही रूप है। पद्म सिंह शर्मा, कमलेश और रणवीर रांगा ने वास्तविक भेंटवार्ताएं लिखी हैं। राजेंद्र यादव तथा लक्ष्मीचंद जैन ने कल्पना के आधार पर भेंटवार्ताएं लिखी हैं। प्रश्न। भेंटवार्ता किसे कहते हैं? उत्तर। भेंटवार्ता वह रचना है जिसमें लेखक किसी व्यक्ति विशेष से साक्षात्कार करके उसके संबंध में कतिपय जानकारियों को तथा उसके संबंध में अपनी क्रिया प्रतिक्रियाओं को अपनी पूर्व धारणाओं, आस्थाओं और रुचियों से रंजित कर सरस एवं भावपूर्ण शैली में व्यक्त करता है। यह एक प्रकार से संस्मरण का ही रूप है। पद्म सिंह शर्मा, कमलेश और रणवीर रांगा ने वास्तविक भेंटवार्ताएं लिखी हैं। राजेंद्र यादव तथा लक्ष्मीचंद जैन ने कल्पना के आधार पर भेंटवार्ताएं लिखी हैं। प्रश्न। भेंटवार्ता किसे कहते हैं? उत्तर। भेंटवार्ता वह रचना है जिसमें लेखक किसी व्यक्ति विशेष से साक्षात्कार करके उसके संबंध में कतिपय जानकारियों को तथा उसके संबंध में अपनी क्रिया प्रतिक्रियाओं को अपनी पूर्व धारणाओं, आस्थाओं और रुचियों से रंजित कर सरस एवं भावपूर्ण शैली में व्यक्त करता है। यह एक प्रकार से संस्मरण का ही रूप है। पद्म सिंह शर्मा, कमलेश और रणवीर रांगा ने वास्तविक भेंटवार्ताएं लिखी हैं। राजेंद्र यादव तथा लक्ष्मीचंद जैन ने कल्पना के आधार पर भेंटवार्ताएं लिखी हैं। प्रश्न।
भेंटवार्ता किसे कहते हैं? उत्तर, भेंटवार्ता वह रचना है जिसमें लेखक किसी व्यक्ति विशेष से साक्षात्कार करके उसके संबंध में कतिपय जानकारियों को तथा उसके संबंध में अपनी क्रिया प्रतिक्रियाओं को अपनी पूर्व धारणाओं, आस्थाओं और रुचियों से रंजित कर सरस एवं भावपूर्ण शैली में व्यक्त करता है। यह एक प्रकार से संस्मरण का ही रूप है। पद्म सिंह शर्मा, कमलेश और रणवीर रांगा ने वास्तविक भेंटवार्ताएं लिखी हैं। राजेंद्र यादव तथा लक्ष्मीचंद जैन ने कल्पना के आधार पर भेंटवार्ताएं लिखी हैं। प्रश्न, भेंटवार्ता किसे कहते हैं? उत्तर, भेंटवार्ता वह रचना है जिसमें लेखक किसी व्यक्ति विशेष से साक्षात्कार करके उसके संबंध में कतिपय जानकारियों को तथा उसके संबंध में अपनी क्रिया प्रतिक्रियाओं को अपनी पूर्व धारणाओं, आस्थाओं और रुचियों से रंजित कर सरस एवं भावपूर्ण शैली में व्यक्त करता है। यह एक प्रकार से संस्मरण का ही रूप है। पद्म सिंह शर्मा, कमलेश और रणवीर रांगा ने वास्तविक भेंटवार्ताएं लिखी हैं। राजेंद्र यादव तथा लक्ष्मीचंद जैन ने कल्पना के आधार पर भेंटवार्ताएं लिखी हैं। प्रश्न, भेंटवार्ता किसे कहते हैं? उत्तर, भेंटवार्ता वह रचना है जिसमें लेखक किसी व्यक्ति विशेष से साक्षात्कार करके उसके संबंध में कतिपय जानकारियों को तथा उसके संबंध में अपनी क्रिया प्रतिक्रियाओं को अपनी पूर्व धारणाओं, आस्थाओं और रुचियों से रंजित कर सरस एवं भावपूर्ण शैली में व्यक्त करता है। यह एक प्रकार से संस्मरण का ही रूप है। पद्म सिंह शर्मा, कमलेश और रणवीर रांगा ने वास्तविक भेंटवार्ताएं लिखी हैं। राजेंद्र यादव तथा लक्ष्मीचंद जैन ने कल्पना के आधार पर भेंटवार्ताएं लिखी हैं। प्रश्न, भेंटवार्ता किसे कहते हैं? उत्तर, भेंटवार्ता वह रचना है जिसमें लेखक किसी व्यक्ति विशेष से साक्षात्कार करके उसके संबंध में कतिपय जानकारियों को तथा उसके संबंध में अपनी क्रिया प्रतिक्रियाओं को अपनी पूर्व धारणाओं, आस्थाओं और रुचियों से रंजित कर सरस एवं भावपूर्ण शैली में व्यक्त करता है। यह एक प्रकार से संस्मरण का ही रूप है। पद्म सिंह शर्मा, कमलेश और रणवीर रांगा ने वास्तविक भेंटवार्ताएं लिखी हैं। राजेंद्र यादव तथा लक्ष्मीचंद जैन ने कल्पना के आधार पर भेंटवार्ताएं लिखी हैं। प्रश्न, भेंटवार्ता किसे कहते हैं? उत्तर, भेंटवार्ता वह रचना है जिसमें लेखक किसी व्यक्ति विशेष से साक्षात्कार करके उसके संबंध में कतिपय जानकारियों को तथा उसके संबंध में अपनी क्रिया प्रतिक्रियाओं को अपनी पूर्व धारणाओं, आस्थाओं और रुचियों से रंजित कर सरस एवं भावपूर्ण शैली में व्यक्त करता है। यह एक प्रकार से संस्मरण का ही रूप है। पद्म सिंह शर्मा, कमलेश और रणवीर रांगा ने वास्तविक भेंटवार्ताएं लिखी हैं। राजेंद्र यादव तथा लक्ष्मीचंद जैन ने कल्पना के आधार पर भेंटवार्ताएं लिखी हैं। प्रश्न, भेंटवार्ता किसे कहते हैं? उत्तर, भेंटवार्ता वह रचना है जिसमें लेखक किसी व्यक्ति विशेष से साक्षात्कार करके उसके संबंध में कतिपय जानकारियों को तथा उसके संबंध में अपनी क्रिया प्रतिक्रियाओं को अपनी पूर्व धारणाओं, आस्थाओं और रुचियों से रंजित कर सरस एवं भावपूर्ण शैली में व्यक्त करता है। यह एक प्रकार से संस्मरण का ही रूप है। पद्म सिंह शर्मा, कमलेश और रणवीर रांगा ने वास्तविक भेंटवार्ताएं लिखी हैं। राजेंद्र यादव तथा लक्ष्मीचंद जैन ने कल्पना के आधार पर भेंटवार्ताएं लिखी हैं। प्रश्न, भेंटवार्ता किसे कहते हैं? उत्तर, भेंटवार्ता वह रचना है जिसमें लेखक किसी व्यक्ति विशेष से साक्षात्कार करके उसके संबंध में कतिपय जानकारियों को तथा उसके संबंध में अपनी क्रिया प्रतिक्रियाओं को अपनी पूर्व धारणाओं, आस्थाओं और रुचियों से रंजित कर सरस एवं भावपूर्ण शैली में व्यक्त करता है। यह एक प्रकार से संस्मरण का ही रूप है। पद्म सिंह शर्मा, कमलेश और रणवीर रांगा ने वास्तविक भेंटवार्ताएं लिखी हैं। राजेंद्र यादव तथा लक्ष्मीचंद जैन ने कल्पना के आधार पर भेंटवार्ताएं लिखी हैं। प्रश्न, भेंटवार्ता किसे कहते हैं? उत्तर, भेंटवार्ता वह रचना है जिसमें लेखक किसी व्यक्ति विशेष से साक्षात्कार करके उसके संबंध में कतिपय जानकारियों को तथा उसके संबंध में अपनी क्रिया प्रतिक्रियाओं को अपनी पूर्व धारणाओं, आस्थाओं और रुचियों से रंजित कर सरस एवं भावपूर्ण शैली में व्यक्त करता है। यह एक प्रकार से संस्मरण का ही रूप है। पद्म सिंह शर्मा, कमलेश और रणवीर रांगा ने वास्तविक भेंटवार्ताएं लिखी हैं। राजेंद्र यादव तथा लक्ष्मीचंद जैन ने कल्पना के आधार पर भेंटवार्ताएं लिखी हैं।
प्रश्न, भेंटवार्ता किसे कहते हैं? उत्तर, भेंटवार्ता वह रचना है जिसमें लेखक किसी व्यक्ति विशेष से साक्षात्कार करके उसके संबंध में कतिपय जानकारियों को तथा उसके संबंध में अपनी क्रिया प्रतिक्रियाओं को अपनी पूर्व धारणाओं, आस्थाओं और रुचियों से रंजित कर सरस एवं भावपूर्ण शैली में व्यक्त करता है। यह एक प्रकार से संस्मरण का ही रूप है। पद्म सिंह शर्मा, कमलेश और रणवीर रांगा ने वास्तविक भेंटवार्ताएं लिखी हैं। राजेंद्र यादव तथा लक्ष्मीचंद जैन ने कल्पना के आधार पर भेंटवार्ताएं लिखी हैं।